Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Sonia, and if you are new here, so please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so you will get all the notification of my new videos. And इस वीडियो में मैं आपको ये मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ. इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ब्राइडल मेकअप लुक. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने जा रही हूँ. मैंने यहाँ पर ये लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर लिया है. मैं इसको फिंगर की हेल्प से अपने ऑल ओवर फेस पर लगा रही हूँ. उसके बाद मैंने यहाँ पर ये एल्प कॉस्मेटिक का पुटी प्राइमर लिया है. ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है. आईब्रो डिफाइन करने से पहले मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ स्पूली ब्रश की हेल्प से. फिर मैंने यहाँ पर ये ब्लू हेवन का आईब्रो डिफाइनर लिया है, उससे मैं अपने आईब्रोज को एक हल्की सी शेप दे रही हूँ. सो मैं अपने आईब्रोज को डार्क करने के लिए यहाँ पर जेल लाइनर का यूज़ कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक का जेल लाइनर लिया है, क्योंकि मेरी आईब्रोज थोड़ी लाइट है, सो मैं उस वजह से अपने आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ. आईब्रोज को कंसील करने के लिए मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है. एंड इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज की शेप को डिफाइन कर रही हूँ. जो भी मेरी आईब्रोज पे हार्श लाइन है वो इस कंसीलर से कंसील हो जाएगी. सेम कंसीलर मैं अपनी आईलिड एरिया पर भी लगा रही हूँ. एंड फिर इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. एंड ट्रांसलूसेंट पाउडर की हेल्प से मैं अपनी आईलिड एरियाज को सेट कर रही हूँ. ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यहाँ पर ये एल्प कॉस्मेटिक की स्मॉल पैलेट ली है. इसमें से मैंने ये ब्राउन शेड पिक किया है. मैं इसको अपने आउटर इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लेंड करना. इस वीडियो में मैं हालो आई मेकअप क्रिएट करने जा रही हूँ. सो उसके लिए मैं आउटर इनर कॉर्नर एंड अपने इनर कॉर्नर से ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ. उसके बाद मैंने ये फोकल एड की आई शेडो पैलेट ली है. इसमें से मैं ये दो शेड पिक कर रही हूँ. मैं इन दोनों ट्रांजिशन शेड को अपनी क्रीज एरियाज पर ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैं ये फ्लफी ब्रश ले रही हूँ. मैंने ये ऑरेंजी शेड पिक किया है, इसको भी मैं सेम उसी प्लेस पर ब्लेंड कर रही हूँ. उसके बाद मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और इसको भी मैं अपने अपर क्रीज एरियाज पे ब्लेंड कर रही हूँ. सो अब मैं यहाँ पर ये हालो कट क्रीज क्रिएट करने जा रही हूँ. मैंने यहाँ पर ये सेम फ्लैट ब्रश लिया है एंड मैं इसकी हेल्प से एक प्रिसाइज लाइन क्रिएट कर रही हूँ. सो मैंने यहाँ पर ये ब्राउन शेड पिक किया है एंड मैं इसको अपने आउटर और इनर कॉर्नर दोनों साइड ब्लेंड कर रही हूँ. सो इस आई मेकअप में मैंने हल्का सा लाइटिश येलो कलर भी यूज़ किया है. एंड अपने पूरे आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये शैम्पियन शिमरी शेड यूज़ किया है. एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ये ब्राउन शेड कलर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, एक हल्की सी लाइटिश शेड दे रही हूँ. सो ग्लिटर के लिए मैंने यहाँ पर ये कलर सेंस का लूज पिगमेंट यूज़ किया है. एंड यहाँ पर मेरा वन साइड आई मेकअप कंप्लीट हो गया है. सेम स्टेप मैं अपनी दूसरी साइड पे भी फॉलो करने वाली हूँ. Thank you.
सो आई मेकअप डन हो गया। अब मैं यहाँ पर ये जेल लाइनर लगाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक का जेल लाइनर लिया है। मैं यहाँ पर काफ़ी थिन लाइन क्रिएट करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं विंग लाइनर नहीं क्रिएट कर रही हूँ। सो लाइनर इज़ डन, नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्टेप जो कि है कलर करेक्शन। सो मैंने यहाँ पर क्राइलोन का लाइट ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है। मैं इसको अपने फिंगर की हेल्प से जहाँ जहाँ मेरे डार्केस्ट एरिया है, जहाँ मेरे डार्क स्पॉट्स हैं, सिर्फ वहीं लगा रही हूँ। फिर मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। मैं इसको डैब डैब मोशन में ही ब्लेंड कर रही हूँ, मैं इसको ड्रैग नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसको सेट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर ये कंसीलर ले रही हूँ जो कि मेरी स्किन से 1 और 2 शेड लाइट है। सो मैं इस कंसीलर को उन एरियाज पे लगा रही हूँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर किया था। एंड सेम स्टेप मैं यहाँ पे भी फॉलो कर रही हूँ। मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर मेबलिन फिटमी का मैट फाउंडेशन लिया है। एंड मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का ट्रांसलूसेंट पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैं ये इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना जो मेकअप बेस है वो वाटरप्रूफ एंड लॉन्ग स्टे चाहिए। मोस्ट ऑफ पार्लर्स में मेकअप आर्टिस्ट यही टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने ब्राइड्स के ऊपर ताकि उनका जो मेकअप है वो लास्ट लॉन्ग रहे प्लस वाटरप्रूफ रहे। मैं यहाँ पर ये फाउंडेशन ब्रश की हेल्प इसको ब्लेंड कर रही हूँ। फेस कंटोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये एंगुलर ब्रश लिया है। प्लस मैं यहाँ पर एक ब्राउनिश शेड लेकर अपने चीक बोन्स पे ब्लेंड कर रही हूँ। मेरे फेस को कंटोरिंग की ज़्यादा नीड नहीं है तो मैं हल्का सा ही अपना टच दे रही हूँ कंटोरिंग का। ब्लश के लिए मैंने इसी पैलेट में से एक रोजी पिंक शेड पिक किया है एंड मैं इसको अपने चीक बोन्स पे ब्लेंड कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने फेस को सेट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन ट्रांसल्यूसेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। फेस को हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एल्फ कॉस्मेटिक का गोल्डन शिमरी शेड पिक किया है। आई मेकअप कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर फॉल्स आईलैशेस का यूज़ कर रही हूँ। एंड फॉर माय लिप्स मैं उसी पैलेट में से एक ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ। मैं यहाँ पर उसको एज अ लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। सेम आई शेडो पैलेट में से मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है। मैं इसको अपने लिप्स को शेड दे रही हूँ। सो यहाँ मैं ये निक्स कॉस्मेटिक की लिपस्टिक ले रही हूँ। मैं इसको अपने हाफ लिप्स पे ही लगा रही हूँ। सो माई मेकअप इज ऑलमोस्ट डन। मैं आपको चेंज करके मिलती हूँ। एंड हियर द फाइनल मेकअप लुक, सिंपल एलिगेंट एंड वेरी ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप लुक। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।